पिछले 3 दिनों तो अपनियां मंगां मनवाउण दे लई बटाला दे विच पंजाब रोडवेज दी वर्कशॉप दी टैंकी ते चढ़े कंडक्टर दे हक दे विच जथेबंदियां आईयां ने, जिन्हां ने वर्कशॉप दे विच सरकार अते अधिकारियां दा पुतला फूकिया ते जम के नारेबाजी भी कीती है। प्रदर्शनकारियां ने कहा कि साडे कंडक्टर दा कोई कसूर नहीं सी, उसने बस दे विच मौजूद सारियां सवारियां दीआं टिकटां कट्टियां सी, पर इक सवारी किसे कारण करके रह जांदी है। उसे समय इंस्पैक्टर बस दे विच चढ़ जांदा, जदों उसने चैकिंग कीती तां इक सवारी बिना टिकट दे पाई जांदी है। इंस्पैक्टर ने सवारी नूं जुर्माना करन दी बजाए साडे कंडक्टर नूं डिसमिस कर दिता, जो कि बिल्कुल गलत सी। कंडक्टर दा कोई कसूर नहीं सी, सगों बिना टिकट सवारी ने अपना कसूर खुद मन्या ते जुर्माने दे लई भी तैयार सी, पर साडे महकमे दे इंस्पैक्टर ने सरासर गलत कीता, जिस दे विरोध दे विच साडा कंडक्टर दुखी होके पेट्रोल लैके टैंकी ते चढ़िया होया। असी उस नूं काफी समझाया पर ओह थल्ले आउण दे लई तैयार नहीं है। हुण जदों तक साडे कंडक्टर नूं इंसाफ नहीं मिलदा उदों तक के प्रदर्शन जारी रहेगा। होर की कहना सी उहनां दा, आओ सुणाउंदे आ तुहानूं। जदों नौकरी नहीं रहिणी, निक्के निक्के बच्चे आ, माता पिता वा, तो की करिए फिर। जो जे तो मैं क्राइम किया तो मैं वह सज़ा का हकदार हाँ। सर मैं टिकट नहीं कट्टी, मेरा आवाजा मारन का हक बनता, सवारी ले लो। मैं बार बार आवाजा देन तो 90-90 सवारियां, 100-100 सवारी साढ़े को बीबिया औरतं फ्री है, 130-130 सवारियां भी हो जाएं। हर वेले जरूरी नहीं है कि सवारियां किसी टाइम घट भी होंदिया वा। साडा तो इन्ना हरासमेंट किया जाता वा कि कोई बीबी अगे उतर जाती, कोई पिछे उतर जाती है, सानू तो आप नहीं पता लगता कि चढ़ गई कड़ी उतर गई सवारी। कदों उतर रही हो थले? सर जो मैनू इंसाफ दिता जाऊगा, जी बनती मेरी रिपोर्ट है रद्द की जाए, ये कोई दो राय नहीं कि मैनू इनकुआरी लवाई जाए। इनकुआरी तो मैं लाव जे मैं चोरी की आ, जे मैं चोरी करदा तो गबन किया वा तो मैनू फार कर दिता जाए, तो जे मैं चोरी नहीं कोई की तो मैं सज़ा कहती भुगता। साडे जिहड़े जिन्ने भी कोई अफसर नवे लाए, अधिकारी लाए, डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट लाए आ, वो साडी कोई गल मन के राजी नहीं। तो अज 7 दिन हो गए साडे एक कनैक्टर की रिपोर्ट करती इन्हां बेवजह, उन्होंने नौकरी तो कढ़ दिता गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं की, ना वो कोई इनकुआरी की आ। तो नाल दी नाल ही उन्होंने उन्होंने कढ़ के नौकरी तो बाहर मारिया, उन्हें इतने चक्कर लाता रहा, अफसरों के गेड़े मारते रहा, हथबला जोड़िया ने नहीं किसी ने सुनी, हार के वो पेट्रोल लैके टैंकी के उपर बैठ गया। उन्होंने अच्छे 3 दिन हो गया, किसी भी अधिकारी ने आण के साड़ी कोई सुनवाई नहीं की, ना कोई गलबात सुनी आ। असी अग हार के तो वो नाल सारे जिन्हें वर्कर आ साडे ठेके ते काम करते आ, वो सारे अज हड़ताल के उत्ते आ, तो डिपो बंद कर दिता गया, बसा रोक दिखाई गई, भी जिन्ना चेर साढ़े साथी का हल नहीं होंगे उन्ना चेर जो डिपो बंद रहेगा। क्योंकि वेखो उत्ते साढ़े अफसर बैठे आ, हर बंदा बैठा किसी चीज़ का कोई हल हों, जे कोई वो कोई गलती हुई है जां कोई उन्होंने गलत करता, वो इनकुआरी तो कर, इनकुआरी करके वो बंदे का मसला हल कर देन, किड्डी वड्डी गल आ। हुण 100 बस जी अंदर रोक दी गई आ, तो बाहर इन्नी पब्लिक खजल खराब होने कोई हिसाब ही नहीं। जिद्दां दी आम पार्टी सरकार आई आ, कोई अफसर जी गल सुन के राजी नहीं गा। असीं इहनूं बड़े चावां नाल वोटां पाईआं ते नाल दी नाल ही सानूं फिर आह हुण खमियाजा भुगतना पै रिहा। असीं बड़ी वड्डी गलती करके इहनां नूं वोटां पा के थां दा थां जिहड़ा ट्रांसपोर्ट दा महकमा थले जा रिहा दिन बर दिन। जे मसला हल नहीं हुंदा ते फिर वो छाल मारूगा जां पेट्रोल पा के अग लाऊगा अपने आप नूं। जे कोई इत्थे मौत होगी ते फिर आण के इहनां ने सुनवाई करनी, फिर जे बंदा ही मर गया ते फिर सुनवाई की करनी आण के इहनां ने। पुतला किदा फूकिआ गया? पुतला असीं अज जी स्टेट ट्रांसपोर्ट डायरैक्टर जिहड़े आ वो साड़ी बिल भी छोटिया छोटिया बिल्कुल कोई मंग भी जी नहीं मान रहे, ज़्यादा अज अं हार के वह उन्हों का पुतला फूकिया वा, तो इस तरह फूकते रहेंगे। जेकर उन्होंने सुनवाई नहीं की तो असी कोई इतों व्डा एक्शन लिखांगे, जे सानू कोई रोड ब्लॉक करना पे वह भी करांगे। सानू तो इंज जापता भी साढ़े को बसा खिलार के ये प्राइवेट बसा जोड़ा वो मुनाफा कमाने वास्ते उन्होंने बसा उन्होंने चलाते हैं, तो सानू कोई भी साड़ी सुनवाई नहीं गी, ज़्यादा करके सानू जापता भी उन्होंने मिली भुगता। चिट्टे जड़े ने वो इन्होंने ये कटे भी इनू फर करता, जिदे करके बेचारे का घर बार जरा औखा हो गया। 5-7 दिन वो धक्के ढोले खाँदा रहा, कभी GM साहब को, कभी TM साहब को, जदों की वो सवारी नू नाल इत्थे लैके आया, इत्थे लिया के नाल विद गवाह भी ये बंदे दा कोई कसूर नहीं गा, इत्थे लैके आया। वो सवारी आंदी मैं पैसे भी दे दिनी आ जिहड़ा तुसीं जुर्माना करना, पर ना तो जनरल मैनेजर साहब ने कोई गंभीरता ना लिया तो ना ही हैड ऑफिस ने लिया, उन्हूं फर्क करता, उहदियां सेवावां वापस करतीयां। जिदे गुस्से विच उह चढ़ गया जी उपर टैंकी ते, 3 दिन हो गए आ अजे कोई सुनवाई नहीं। 6 डिपो साढ़े बंद ने, 12 बजे तक अं तुहानूं दस्सिया भी स्टेट ट्रांसपोर्ट डायरैक्टर का पुतला फूक चुके हैं। जे 12 बजे तक साढ़े बंदे का हल ना होया तो 18 डिपो पंजाब रोडवेज पन बस के बंद किए जाएंगे। जे फिर भी कोई हल ना होया तो कल नूं कोई स्टेट का व्डा चौंक जां कोई रोड जाम करांगे।